लगे जय धर्मेश। मैं चित्रंजन उराव सरना समाज सरना धर्म क्या है क्या नहीं है, बहुत सारा तर्क है, बहुत सारा विचार है। अपना तर्क विचार ज्ञान बुद्धि सारे को सुन कर दो। तर्क करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, भटकते रहेंगे। आज सरना में विश्वास नहीं करने की वजह से किस प्रकार से हम लोग को समाज आज बिखर रहा है, किस प्रकार से समाज के लोग टूटते जा रहे हैं। रोज़ नया गुट तैयार हो रहा है, रोज़ बन रहा है, रोज़ बिगड़ रहा है, तरह तरह के समस्याएं आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? सरना में हम लोग ना आते हैं, हमारा धर्म बहन लोग आती है, उनको भी अनाप शनाप कौन बोल रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं। हमारे समाज के हमारे घर के अगुआ लोग होते हैं, वही लोग आज हमारे बहन लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। अगर आप सरना स्थान में जाने नहीं देते हैं तो उनके लिए व्यवस्था कीजिए। बहुत जगह ऐसा हो रहा है, व्यवस्था कीजिए, लेकिन उनको मत उल्टा सीधा बोलिए, क्योंकि आज धर्म काम नहीं करेंगे और धर्म और कर्म दोनों के साथ ले के नहीं चलेंगे तो सारे लोग धर्म परिवर्तन करेंगे दूसरे धर्म तरफ चले जाएंगे। आज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अपने धर्म बहन लोग जा रहे सरना में, उसको रोक रहे हैं, उसको छेक रहे हैं, उसको पंचायती बैठते हैं, उनको बोलते हैं नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी नासमझी है, और हमको कब समझ में आएगा? जब सारा लुटा जाएगा, सारा सरना समाज समाप्त हो जाएगा, सारा सरना सरना धर्म खत्म हो जाएगा, तब समझ में आएगा क्या? आप तो समझिए, हम लोग को झंडा के रूप में, खुद अपने रूप में चाला मा चालास आवाज़ दे दे के हमारे बहन लोगों को रोज बता रही है, कह रही है कि यहाँ पर ये है। हम लोग सदा धर्म सदा रहा और सुंदर विचार करते हुए एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए, हम किसी धर्म और किसी जाति या किसी बरादरी के हम लोग वो शिकायत निंदा नहीं करते हैं। हम लोग प्रकृति पुजारी है, प्रकृति के अनुसार सोचेंगे, प्रकृति के अनुसार हम लोग विचार करेंगे और प्रकृति के अनुसार हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ प्रकृति के अनुसार करेंगे, तभी अपना समाज सुंदर और आसान होगा। मैं हमेशा कहता हूँ आसान होके रहें, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी बहन लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि आप लोग भी एकदम आसान रह के चलना, कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रखना, ठीक है ना? कोई चीज़ को पकड़ के रखना नहीं कि ये सही चीज़ है, क्या ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। हम लोग क्या है, सही 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 बोलते हम लोग बहुत ज़्यादा जिद कर देते हैं, लेकिन हम लोग को जीवन में क्या करना है, सही और गलत, अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में कैसे जीवन व्यतीत करना है, ठीक है ना? समझ मारो ना आप लोग को, कैसे हम लोग को अच्छाई और बुराई दोनों के बीच में जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारे परिवार में हम लोग को प्रेम हो, हमारा समाज में प्रेम हो। आज हम हमारे घर में किस तरह से अपने आप में लड़ाई और झगड़ा और परिवार में बिखरते जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? हम लोग कोई चीज़ को पकड़ के रखे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग को कोई चीज़ को पकड़ना नहीं है, ये अगर हमारा अच्छाई है तो ये बुराई है। हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, जीवन व्यतीत करना है। क्या करना हम लोग को, दोनों को बीच में जीवन व्यतीत करना और सुख से जिंदगी जीना है, मस्ती से जिंदगी जीना है। अगर कोई डांट भी मार दे तो हम लोग को परेशान होना नहीं है, एकदम रिलैक्स क्या करना है, एकदम ठंडा, ठीक ना, बहुत रिलैक्स। मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोग किस प्रकार से आप घर में सुधार होगा, अपना पति पत्नी में सुधार होगा, बच्चों में भी अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा और अच्छा होता ही जाएगा, ठीक ना? और कुछ बीच में कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोग, कोई कुछ बोलना चाहेंगे एक दो मिनट के लिए? चलिए ठीक है, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो ये चीज़ की जरूर रखना। आज बता रहा हूँ कि अच्छाई और बुरा दोनों के साथ बीच में हम लोग को रहना है, और सुख और दुख, सुख भी होगा और दुख भी होगा, और जीवन में तो ज़्यादा से ज़्यादा दुख ही है और सुख नहीं है। तो हम लोग को कैसे व्यतीत करना है, सुख और दुख दोनों के बीच में हमको क्या करना है, इसको बोलते हैं सम होके जीवन व्यतीत करना। क्या बोलते हैं? सम होके, मतलब इधर एक इधर एक, यहाँ क्या होता है, बराबर, क्या होता है, ये जिंदगी चीज, ठीक है ना? कोई आपको डांट मार दिया, कोई गाली गलौज कर दिया, दिमाग में खोपड़ी में नहीं रखना, रिलैक्स होकर काम करना है। क्या करना है? रिलैक्स होकर काम करना है। इधर बुरा बोल दिया उधर भी परेशान नहीं होना, और अच्छाई को पकड़ के भी नहीं रखना, और दोनों को हम लोग पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
फिर हम लोग घर में भी ठीक नहीं रह सकते हैं, खुद भी ठीक नहीं रह सकते हैं, परिवार को भी ठीक नहीं रह सकते हैं। चलिए बेहतरीन जिंदगी के लिए हम यह घर में सिद्धवा करते हैं और सरनामा विस्तार दे हैं, तो आप लोग आप बातों को अमल करना और ऐसे एकदम रिलैक्स होकर जिंदगी में खुश होकर जिंदगी में। चलिए घर में जय धर्म। चलो।